दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि कंप्रेसर गैस्केट क्या है, साइज व आयाम और अच्छे गैस्केट के गुण आपको इस वीडियो में बताएंगे। आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और ज्यादा से ज्यादा आप लोग सब्सक्राइब कराना, ताकि अपने दोस्तों के साथ भेजोगे, शेयर करोगे तो उनको भी इस वीडियो से संबंधित जानकारी उनको भी प्राप्त हो। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। कंप्रेसर गैस्केट, कंप्रेसर गैस्केट एक पैकेज होता है जो लीकेज प्रूफ जोड़ बनाती है। कंप्रेसर के सभी जोड़ एयर टाइट होने चाहिए और कंप्रेसर के समय उत्पन्न ताप और दबाव को सहन करने वाले होने चाहिए। उसके बाद इसका आता है मटेरियल, किस मटेरियल का हमारा गैस्केट होना चाहिए। गैस्केट मुख्यतः कार्क पेपर कंपोजिशन, लेड, एस्बेस्टोस, रबर और एल्यूमिनियम की बनी होती है। रेफ्रिजरेटिंग कंप्रेसर में लेड व पेपर मिश्रित गैस्केट का प्रयोग किया जाता है या की जाती है। गैस्केट का साइज उसकी मोटाई से लिया जाता है और आम प्रयोग में होने वाली गैस्केट 1.6 mm, 0.8 mm और 0.4 mm मोटर की मोटाई की बनी होती है। जब दो सतहों आपस के में के बीच इसे नट में बोल्ट द्वारा टाइट करते हैं तो यह जोड़ को लीक प्रूफ बना देती है। जब दो पार्टों को आपस में जोड़ते हैं, उसमें जैसे गाड़ी का इंजन ऑयल डालते हैं हेड में, तो नीचे उसके पैकिंग लगी होती है हेड और ब्लॉक के बीच में, ताकि उसमें से जब पिस्टन और क्रैंक चलती है ऑयल को लेकर के इंजन के साथ में पिस्टनों के साथ में चलता है तो वो उसमें से लीकेज ना हो, इसी उन दोनों को जोड़ने के लिए हम उसको भी प्रयोग करते हैं गैस्केट का। इसके पूर्ण इसके जो गुण होते हैं गैस्केट में, निम्नलिखित गुण होने चाहिए। नंबर एक, या बिना साइज बड़े कंप्रेसर सीबल होनी चाहिए। नंबर दो, या उस तापमान और उच्च प्रेशर पर भी कार्य करने वाली होनी चाहिए। नंबर तीन, या उचित साइज में आसानी से कट होने वाली चाहिए। जब हमें काटना होता है तो आसानी से वो कट भी जाए। नंबर चार, ऐसे पदार्थों की बनी होनी चाहिए जो हवा या रेफ्रिजरेंट के साथ मिलने पर प्रतिक्रिया न करे या रासायनिक प्रतिक्रिया ना करें। तो दोस्तों हमने आपको इस वीडियो में कंप्रेसर गैस्केट क्या है, इसका साइज व आयाम और अच्छे गैस्केट के गुण, किस प्रकार की गैस्केट होनी चाहिए, कौन सी धातु की बनी होनी चाहिए,
कहाँ पे लगाते हैं इसको, तो आपको मैंने इस वीडियो में पूरी तरह से अच्छे से समझाया। आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कॉमेंट करें। इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ओके, थैंक यू।